आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। जी हाँ, जन्मदिन से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश, जी हाँ, हिंदू हृदय सम्राट गौरक्षक पीठ योगी आदित्यनाथ का राज। जी हाँ, जहाँ योगी जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं उनका राज है, और लखनऊ शहर जो नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ, उसे स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। कवायद ऐसी हुई कि लखनऊ को जो है दिखाया गया कि काफी ज्यादा विकास की गति में आगे बढ़ा है, काफी ज्यादा विकासशील बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव जीत करके आए थे तो उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया था। तमाम जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उनको भी इस फहरिस्त में रखा गया था, उसमें लखनऊ का भी नाम था। अगर सीधी भाषा में समझाए तो मेट्रोपॉलिटन सिटी या स्मार्ट सिटी का मतलब 24 घंटे बिजली, सारी व्यवस्था और 45 मिनट में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा जा सके। लेकिन जन्मदिन से पहले प्रधानमंत्री के इस स्मार्ट सिटी को ऐसा गिफ्ट मिल गया कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, लोगों की रात की नींद हराम। सोचिए कि आप बिस्तर पर आराम की नींद जो है फरमा रहे हैं और साइड से आपको गड़गड़ की आवाज आने लगे, और आप जब आंख खोल करके देखें तो आपके बाथरूम का पानी आपके रूम तक पहुंच चुका है, आपके बच्चों की किताब और बैग और स्कूल का यूनिफॉर्म जो है वो पानी में तैर रहा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ लखनऊ में हुआ जब एक दिन की कल बारिश पड़ी। चलिए, ये बात तो हुई रूम की। अब क्या पॉश कॉलोनी और क्या कोई भी मोहल्ला, हर मोहल्ले में इतना पानी भर चुका था कि लोगों के कमरों तक भी घुटनों तक पानी घुस गया। जिया, ये बात हुई लोगों के कमरों की। अब आइए ट्रेन पे। जिया, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सल्ताज एक्सप्रेस खड़ी थी, उसके थर्ड एसी कोच में लबालब पानी भरने लगा। जो यात्री थे उन परेशान होने लगे, इधर से उधर भागने लगे, उनके बीच उथल-पुथल की स्थिति बनी। लखनऊ की डीएम रोशन जेकब जब आई तो अपनी लग्जरी कार से उतरी और उन्होंने जायजा लेना चाहा तो उनके भी घुटनों तक पानी देख करके होश उड़े के उड़े रह गए। अब वो आखिर क्या करती? लोग लगातार अपनी परेशानी जाहिर कर रहे थे, लोगों के लिए यहाँ से वहां जाना मुश्किल हो रहा था, और लोग जो है घर से निकलना भी मुश्किल था, लोग अपने अपने छत पर जाकर के बसेरा किए हुए थे कि उन्हें बारिश के पानी से कोई खतरा ना। नाले का पानी, गंदा पानी, सब एक जगह एकजुट हो गया, लोगों के घरों में घुस रहा है, कमरों में घुस रहा है, और धड़ाम से स्मार्ट सिटी का जो है राज खुल गया। देख लीजिए कैसा स्मार्ट सिटी बनाया। 24 घंटे बिजली जो है आपने देने की बात कही थी, अच्छी सड़कें देने की बात कही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो इंजीनियर साहब हैं उनको ये देखिए हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूं कि आपने कितना जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम बनाया लखनऊ में कि एक दिन की बारिश में पूरा लखनऊ डूब गया। ये तो थी बिन मौसम बरसात की बात। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जब मानसून दस्तक देगा तो लखनऊ का क्या हाल होगा। लखनऊ के लोगों को कल लगने लगा था कि वो किसी मेट्रोपॉलिटन या स्मार्ट सिटी में नहीं बल्कि किसी टापू में। जनता को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखना और नफरती राजनीति करना, लोगों के बीच धर्म और जाति की राजनीति करना, यही भर भाजपा का अब काम रह गया। विकास के नाम पर भाजपा जीरो रह गई। जी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखिए कि स्थिति क्या हो रही है। जो सरकार जो है विकास के नाम पर आई, जो सरकार आई जनहित के मुद्दों को उठाने के नाम पर आई, जो सरकार पेट्रोल डीजल के नाम पर आई, जो मोदी जी कहते थे पेट्रोल और डीजल के दाम पर कि पेट्रोल और डीजल के दाम यहाँ, और अब मोदी जी जो है पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में बोलने से ही पीछे हट जाते। उनके जो बच्चे हैं, उनके जो कुत्ते हैं गोदी मीडिया, वो तो सवाल पूछने से इतना डरते हैं कि सामने में उनकी जबान नहीं खुलती। सामने में बस मोदी योगी से वो इतना पूछते हैं कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं।
तो यही आजकल की मीडिया रह गई है सच को दिखाने से। तमाम जो है लखनऊ में अभी बाढ़ की स्थिति है, काफी ज्यादा जो है वहां पर स्थिति खराब है, और गोदी मीडिया चीता दिखा रही है कि भारत में 5 करोड़ के चीते लाए गए। बस यही स्तर रह गया है मीडिया का कि वो अब दिन दूर नहीं कि हाथ जोड़कर पत्रकार कहेंगे माँ की कसम खा रहा हूं इस बार सच्ची खबर लाया हूं, देख लो। लेकिन जनता नहीं देखेगी, अभी भी चाहिए कि सुधर जाइए। और जितने भी राजनेता जो है धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा विकास की ओर ध्यान दीजिए, वरना जनता जनार्दन आपको भी लात मार करके जल्द भगा देगी। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़।